बैक टू माई YouTube चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 13.2 के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लर्निंग टाइम YouTube चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। मीन्स आपको प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है कि वो 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। रोलर है, रोलर उसको प्लेन करने के लिए कितना एरिया कवर करेगा प्ले ग्राउंड को। डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो डायमीटर को पहले लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ये किसका डायमीटर और लेंथ है? रोलर का। रोलर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। जैसे रोलर चलता है, रोलर चलेगा तो सिर्फ उसका जो लेंथ वाला पार्ट है वो ग्राउंड को टच करेगा। मीन्स जो साइड के सर्कल्स हैं उनका तो कोई रोल नहीं है, तो मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh। अब जो डायमीटर है उसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 84/2, 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करो, 2 × π की वैल्यू 22/7 × r, r है 42 एंड h इज 120 सेंटीमीटर। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 4 = 24 और 2 = 26 और उसको 120 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 = 5, 0 0 4 6 2, ये आ गया 31 31 680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? रोलर का एक चक्कर में रोलर कितना एरिया कवर करेगा वो आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो 500 रिवॉल्यूशन करता है, तो 500 रिवॉल्यूशन में रोलर कितना एरिया कवर करेगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया निकल आएगा 500 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 31680 मल्टीप्लाइड बाय 500। इसको 500 से मल्टीप्लाई करो, पीछे की 3 0 तो ऐसे ही लग जाएगी, तो सीधा 5 से कर लो, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30 और 4 = 34, 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 15 और पीछे 3 0, यह आ जाएगा 1584000। ये कितना प्लेग्राउंड का एरिया आ गया? ये किस में आया? ये सारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया पूरा एरिया, लेकिन हमें प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 100 × 100, इस 1584000, इसको 100 और 100 मीन्स 4 0 हो गई, 2 0 ये 2 0 ये, तो 2 4 0 कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा? 1584 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो रोलर है वो टोटल 1584 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा 500 रिवॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 5। ए सिलेंडर पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। मीन्स एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर दी हुई है। एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में है और 3.5 भी मीटर में दिया हुआ है, तो हम इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले।
इसकी 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसको पहले रेडियस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 50 अपॉन 2 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 अपॉन 100 0.25 मीटर स्क्वायर। नाउ 3.5 सेंटीमीटर इज हाइट, h इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ये सेंटीमीटर में था और हाइट ऑलरेडी मीटर में दी हुई है और जो कॉस्ट है वो भी ऑलरेडी मीटर में दी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.25 एंड एच इज हाइट कितनी है 3.5। 7 × 7 = 35 क्योंकि ये पॉइंट है तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 2.5 और 22 × 44 इन सबको मल्टीप्लाई करो। 44 को 0.25 से करेंगे, 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 0 0 11 मींस 11 आ गया। 11 को 0.5 से करेंगे, 0 0। अब ये यहाँ पे तीन डिजिट के बाद आएगा तो 5.5 आ जाएगा, आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। और इसका जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की उसको जो टोटल एरिया आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। 5.5 मल्टीप्लाई 2.50 12.50 को 5.5 से, पीछे की 3 0 तो एज इट इज रहेगी, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 25 over 2 = 27 ये आ जाएगा 0 7 5 6 7 8 और 6 और पीछे 1 2 3 3 0s हैं। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ थे, 3 और 2 डिजिट ये हो गए, मीन्स 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 68.75 ये क्या आ गया, क्योंकि ये कॉस्ट है तो ये किस में आएगी, रुपीज़ में। रुपीज़ 68.75 इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग।